अब ये नया तो डिवाइस लॉन्च दोस्तों किया आज है, की इस वीडियो एट्रियस में हम टू जो जी बी है सिक्सटीन अनबॉक्सिंग जी एंड बी रिव्यू करेंगे टू ओप्पो थाउजेंड एटीन में भी टू जी A10s बी का रैम एंड 16 2019 जीबी का का। इंटरनल अपने स्टोरेज। चैनल वाओ, पर क्या सोच वॉच इस रहे वीडियो थे को लास्ट तक ओप्पो? देखिए। आई होप आपको ये सो वीडियो मे बहुत बी ही पसंद उन्होंने आना वाला डिसाइड है किया कि और बेटर आगे कैमरा हम एंड ये वीडियो बैटरी में यहाँ पर बैकअप मैं दे दे रिव्यू तो करूंगा लोग ओप्पो ले A10s लेंगे। के कुछ जो है चलिए हिडन वो भी फीचर्स टेस्ट का कर उस देते हैं, पर कुछ जो है लेकिन आज और के भी वीडियो में अभी सेटिंग के वाला वीडियो में सीखिए हम सेटिंग देखने आपको वाले बताऊंगा। हैं फर्स्ट तो बोट। ये बात कर तो लिया फर्स्ट टाइम इसकी आप पच्चीस कैसे अपने जो मोबाइल को है सेट इंडिया कर में सकते तकरीबन हैं जो वो है वाला टेन देखेंगे थाउजेंड हम। टेन चलिए ऑन थाउजेंड करते का हैं आपको इस मिल मोबाइल जाएगा। को और अगर पहली बात करें बार जाए इस इसमें चैनल पाकिस्तान पर। का तो तो ये रहा इसमें जो है A3s, ट्वेंटी ओप्पो थाउजेंड A3s आपका को हम ऑन ट्वेंटी वन करेंगे, थाउजेंड जस्ट पावर लगभग ऑन, आपका देखते हैं लेवल बैटरी जो पड़ कितना जाएगा। बचा उसके बाद है। यहाँ पर इसमें ओप्पो जो है पावर बॉय इसको यहाँ पर हम जब एंड्रॉयड, ऑन करते हैं ऑफ तो कोर्स ऑन करते साथ ही यहाँ पर एंड्रॉयड इसमें जो थोड़ी सी वाइब्रेशन आएगी इसको ऑन होने और देते ये हैं। पावर बॉय एंड्रॉयड है तो तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ अगर पर आप ये हमारे पावर चैनल बॉय पर नए एंड्रॉयड हैं है तो तो सब्सक्राइब इसके वजह करना से ना इसका भूलें कुछ जो और अपने नोटिफिकेशन नेविगेशन बेल की पर स्किल्स देखिए, रखे बहुत हैं। यूजफुल तो यहाँ इंफॉर्मेशन पर मिलेगा ओपन आपको। होने के बाद ये यहाँ पर रहा ओप्पो इसमें का जो है बूट एंड पहला आप देखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट यहाँ पर आपने लैंग्वेज। जो इसमें लैंग्वेज लैंग्वेज सेलेक्ट सेटिंग करना है करनी जल्दी है से, एक इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड सेटिंग स्टेट्स में या जैसे फिर आपने भी जो है हिंदी अपनी का हो, मर्जी के कोई मुताबिक भी कोई कॉल भी करता हिंदी काम, या यूएस फिर अपना कोई कर भी सकते हो रीजनल इसमें। लैंग्वेज हो यूट्यूब यहाँ के से आप अलावा कोई चॉइस भी कर सकते ऑप्शन हैं। भी पहली आपको यहाँ बार पर ही मिल आप अगर जाएगा। चॉइस उसके करते बाद हैं यहाँ पहली पर बार इसमें ही जो आपका इंग्लिश अगर चॉइस वगैरह कर का देंगे भी तो यहाँ फुल पर इंटरफेस सिलेक्ट आपको हो वही जाएगा। लैंग्वेज में मिलेगा। फ्लैट दूसरा भी मोड इजी के लिए कनेक्ट लिया तो मैं मान इंग्लिश लीजिए ले कि लेता हूँ, तुम्हें इंग्लिश यहाँ पर यूनाइटेड उसके स्टेट्स बाद में, यहाँ उसके पर बाद अपने सेट कर कंटिन्यू लेने के हैं बाद अपने यहाँ पर कनेक्ट हो, इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन। करके पूछेगा, अगर आपके यानी कि पास अगर है आपके घर तो में कर इंटरनेट है, सकते हैं इंटरनेट का इंटरनेट। कनेक्शन, तो उसके बाद जरूर अगर आप अगर आपके इंटरनेट को पास कनेक्ट नहीं है तो कीजिएगा। यहाँ पर कुछ नीचे अपडेट्स आपको अगर यहाँ है पर तो स्किप आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन जब मिल ऑन रहा है होगा मोबाइल तो तो यहाँ डाउनलोड पर हो आप जाएगा। स्पीक भी अभी कर के लिए सकते हम हैं। उसके स्किप बाद यहाँ करेंगे पर इसको आप यहाँ इसमें से, जो स्किप प्राइवेसी करने के बाद प्रिंसिपल है टर्म्स ऑफ अगर यूज आप यहाँ पर इसे ज्वाइन ऑन यूजर करेंगे एक्सपीरियंस तो प्रोजेक्ट है, आपको अगर यहाँ पर उनका प्राइवेसी एक्सपीरियंस पॉलिसी के प्रोजेक्ट बारे पर में आप यहाँ पर ज्वाइन होना बता चाहते देगा। हैं तो अगर आप आपके इनेबल कर अकाउंट सकते के हैं, लिए अदरवाइज तो डिसेबल, आपको या थोड़ा कुछ बैटरी भी खा इंफॉर्मेशन लेगा यहाँ और पर उसके देता साथ रहेगा वो तो यहाँ अपना पर मैं फिर जो इन्फॉर्मेशन भी है कलेक्ट करेंगे। कॉपी तो इसलिए अभी के ऑफ लिए हम टॉपिक स्किप कर वगैरह देते हैं भी यूजर आइसक्रीम एक्सपीरियंस जो पॉलिसी आपके आई टू एक्सेप्ट व्हीलर आई या हैव ऑटोमेटिकली रेंट, जो डेटा ये रहता तो है टिक करना पड़ेगा। उसको चलिए जो कंटिन्यू, आप उसके अपने बाद जो गूगल ऑन ऑफ सर्विसेज रख यहाँ सकते पर हो अगर आप अपने वीडियो लोकेशन बना अभी लीजिए। ऑन उसके करना बाद चाहते यहाँ हैं पर गूगल इसमें सर्विसेज कुछ के थ्रू गूगल की तो ऑन कुछ कर जो सकते हैं इन्फॉर्मेशन लोकेशन है अगर तो डिसेबल यहाँ पर करना रखना चाहते है। हैं, ऐसे डिसेबल लोकेशन करने वगैरह बाद भी में भी आप आप आपके उसके नोटिफिकेशन बाद से यहाँ पर लोकेशन रख को के ऑन कर आपके सकते फोन हैं। पे जो है नेक्स्ट डे डाटा सेंसिस्टम वगैरह को डेटा, जो है ये भी एंड्रॉइड आपका फोर फिंगर डायग्नोस्टिक कर डेटा है लेके तो लिए यहाँ पर चाहता मैं है, इसको जो है टर्न तो ऑफ आप या एनेबल होमवर्क करके छोड़ रिप्लेसमेंट दीजिए। जो ऐसे वो प्राइवेसी एवरेज वगैरह का लेंगे इशू आता सभी है का मोबाइल का जो भी तो प्रॉब्लम आपको रहता है, तो वेलकम उसके एंड बाद वो एडवाइस डिसाइड के करके आप जो है अपडेट्स ऑफ रिलीज ही करते रखिए हैं। क्या तो अगर आप उस ऑफ करने के सेंड बाद जस्ट सिस्टम आप डेटा यहाँ को पर एनेबल इसको करना चाहते हैं तो एनेबल कर सकते हैं, अदरवाइस एंड डिसेबल कर सकते आई हैं। एग्री वाले एंड ऑप्शन पे वो टाइप थोड़ा कर बैटरी दें भी आपका खा लेगा, तो इसलिए तो मैं अभी आपका डिसेबल फोन कर का रहा जो है हूँ, लॉन्च तो आप भी कुछ इस डिसेबल तरह कर का सकते सेटअप हैं। होगा। उसके बाद यहाँ एंड पर आप बाद में इसमें यहाँ पर जो आई है एंट्री पर टैप अपने करना है, तो उसके बाद पासवर्ड फेस भी एंड सेट कर पासवर्ड, सकते हो फेस अपने से अनलॉक कर सकते हैं आप फेस लॉक ओप्पो को भी सेट कर A3s सकते हो को, यहाँ पर एंड अपने पासवर्ड से भी कर पासवर्ड सकते भी हैं। सेट तो यहाँ सेट पर कर आपको सकते हो। इसमें फिंगरप्रिंट फेस नहीं लॉक मिल वाला भी रहा अच्छा है, आपको यहाँ पर तो मिल रहा है। ओप्पो A3s जस्ट में इसमें जो फिंगरप्रिंट वन स्कैनर चीफ नहीं मिसिंग है, है तो वो है फेस इसका एंड जो पासवर्ड फिंगरप्रिंट से ही लॉक आपको अनलॉक जो करना कि है है। जो तो अभी बहुत हम ज्यादा सेटिंग्स इसमें पर मिसिंग जाके लगा है। फेस उसके बाद अनलॉक यहाँ पर कर आप लेंगे, इसमें जो उससे अपना पहले पासवर्ड पासवर्ड देना चेक है, कर सकते तो हैं। तो जस्ट यहाँ पर मैं वन अपना टू पासवर्ड थ्री सेट कर फोर लेता फाइव हूँ सिक्स जनरल एक और सेट पासवर्ड करने देंगे के लॉक बाद स्क्रीन। जस्ट आप यहाँ पर तो जो अगर अपना ये रैंडम वो बोल रहा है रिपीट कि सेट कॉमनली कर यूज्ड सकते हैं है अपना कुछ पासवर्ड ट्रिकी और वाला यहाँ पर सेट करने के पासवर्ड, बाद जस्ट आपने यहाँ पर जो है ओके वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे तो जस्ट आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाएगा कि आप अपने इसमें इंटरनेट कनेक्शन को जो है इसको उसको भी एक्सेस देना चाहते हैं। यानी इसमें कुछ जो है कन्फर्मेशन होती है जो कि रैंडमली पूछता है फ़ोन लॉन्च होने के होने से पहले। तो आप अपने फ़ोन को जो अपडेट उसकी उसको भी इनेबल करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो यही कुछ जो है इसमें जो पूछा जाएगा जब आप जो है अपने फ़ोन को वगैरह को जो है ऑन करेंगे। तो अपना इंपॉर्टेंट डाटा जो है आप इसी को जो है ऐसा बैकअप भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फ़ोन का जो है को जीमेल के साथ भी सेट कर सकते हैं। तो उसके साथ यहाँ पर बैकअप लेने के बाद आप अपने किसी भी यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं जैसा कि एंड्रॉयड हो गया या फिर आईओएस का यूज़र हो गया आईफोन वगैरह का। और उसके बाद ये आपका फ़ोन जो है लॉन्च हो जाएगा। तो काफ़ी देर नहीं होगी बोलते बोलते। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो है बात कर ली जाए इसका डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का यहाँ पर आपको इसका डिस्प्ले मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप में इसको जो स्क्रीन वगैरह को फुल स्क्रीन का जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है नॉच ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर इसमें कोई आइकन वगैरह देख सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है इसमें दूसरे जो है एफ सीरीज के मुकाबले यहाँ पर आपको आइकन वगैरह बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चले जाते हैं इसकी सेटिंग में। तो सेटिंग में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फीचर मिल रहे हैं जैसा कि यहाँ पर इसमें जो है फिंगर फेस लॉक हो गया यहाँ पर कुछ और फीचर हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैं अबाउट फोन में जाकर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मेरा ओप्पो A3s है तो कहीं यूज़र को कन्फर्म नहीं होता। और यहाँ पर इसका जो है वर्जन जो है वो है 8.0 यानी ओरियो है इसमें जो वर्जन यहाँ पर जो डाला गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आने वाली एप्लीकेशन जो है इसमें जो है
आपको इसके इससे हाई वर्जन भी देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पर मैं इसको जो है अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसके जो बैक कैमरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके कैमरा वगैरह का भी यहाँ पर आपको जो है रिव्यू देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। और उसके साथ यहाँ पर इसमें जो फोटोज़ वगैरह को किस तरह ये कैप्चर कर लेता है, तो यहाँ पर आपको कुछ जो है इसके फीचर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर HDR मोड मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन मोड मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पर आप जूम इन जूम और जूम आउट यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें जो पिक्सल वगैरह का कोई भी इशू नहीं आएगा, तो कहीं पहले जो है एफ सीरीज़ में थे या फिर ए सीरीज़ में, तो उसमें जो है पिक्सल वगैरह का थोड़ा सा इशू होता था। तो आजकल के जो ओप्पो के फ़ोन आ रहे हैं उसमें जो है आपको पिक्सल वगैरह का बहुत ही ज़्यादा इशू यहाँ पर देखने को आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को यार लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की